जैसे डू डज डिड हो गया कैन वुड शुड इस तरह के वर्ड हैं ये सारे जो हमने यूज़ करने हैं यहाँ पे ठीक है कॉन्ट्रेक्शन का एक रिव्यू करवा देती हूँ आपको कि यहाँ हमने क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म ही यूज़ करनी है साथ नॉट लगाने के लिए येस yes, ये हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्शन हैं डू नॉट के लिए हमारी क्या कॉन्ट्रेक्शन यूज़ हो रही है डोंट डज नॉट के लिए डजेंट डिड नॉट के लिए डिडेंट इज़ नॉट इजेंट कैन नॉट कांट वुड नॉट वॉन्ट शुड नॉट शुडेंट ठीक है आप ये कॉन्ट्रेक्शन यूज करके आपको बनाने हैं क्वेश्चन यस एग्जाम्पल देखिए वाई कांट आई गो टू दिस सिनेमा सनेमा में क्यों नहीं जा सका वाई वॉन्ट यू लिसन टू मी तुम मुझे क्यों नहीं सुनोगे ठीक है करना आपने वही है सेम जहाँ पे आपके वर्ब टू बी पहले आ रहे थे सिंपल क्वेश्चन सेंटेंसेस में और ऑगजिलरी वर्ब जहाँ यूज़ हो रहे थे वहीं पे आपने नॉट वाली फॉर्म यूज़ कर देनी है और सेम हमारी फॉर्मेशन वैसी ही रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं चेन दी सेंटेंसेस इनटू वाई क्वेश्चन फर्स्ट पे देखें जेमी डिडेंट ब्रिंग एनी लंच वैसे ही हमारा वॉइस स्टार्ट में आ जाएगा देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वाई डिडेंट जेमी ब्रिंग एनी लंच जेमी कोई लंच क्यों लेकर नहीं आया ठीक है सेकेंड सेंटेंस आप देखिए वी कांट गो स्विमिंग कैसे हमने इसका क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है सेम वैसे ही होगा वाई स्टार्ट में आएगा देन आपका कांट यूज़ हो जाएगा फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा देन वर्ब आ जाएगा वाई कांट वी गो स्विमिंग देन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी थिंग ठीक है क्वेश्चन सेंटेंस के लिए जो मेन चीज़ है वो आपको क्वेश्चन मार्क है वो लाजमी आना चाहिए वरना किसी को पता नहीं चलेगा आप क्वेश्चन सेंटेंस बनाने लगेगे नेक्स्ट थ्री जो सेंटेंसेज हैं वो आप खुद से करोगे ओके okay. यस नेक्स्ट एज पोर्शन इसका देखिए रीड ए सेंटेंसिस एंड देन राइट बीज क्वेश्चन इन दी क्वेश्चन चेंज आई टू यू एंड यू टू आई क्वेश्चन बनाने हैं आपने वाई यूज़ करके और आगे आपके हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इसी में गिवन है करना आपने सिर्फ ये है कि जो हमारा ए पोर्शन में प्रो आई गिवन है आपको बी पोर्शन में आंसर करते हुए वहाँ पर आ, यू लगा दे रहे हैं ठीक है एक्टिविटी वर्क है ये भी आप खुद से करोगे